संतोष सर, मैथन अलॉयस कैसा दिखता है? जैसा मेटल में जिस तरह से स्टॉक सारे पिटे हैं और प्राइस रियलाइजेशन कम होने चालू हो गए हैं, क्योंकि अगर आप देखें पर टन रियलाइजेशन चाहे लॉन्ग प्रोडक्शन फ्लैट प्रोडक्शन कम हुए हैं, और ये कंपनी जो है एलॉय जो कि हम स्टील जो बनता है उसमें जो एलॉय लगता है वो बनाती है, सबसे बड़ी कंपनी है इसमें। इंफा बोल के एक कंपनी, दो कंपनियां हैं जो की बड़ी है, फिर बालासोर एलॉय एक कंपनी, बहुत छोटी कंपनी। तो ये तीनों जो कंपनियां हैं अगर आप देखेंगे तो जब तक स्टील के प्राइसेस में ज्यादा रियलाइजेशन नहीं होता है ये प्राइसेस ये कंपनियां भी अंडर परफॉर्म करती हैं। तो ब्रॉडली मतलब कहने के लाइन विद स्टील मार्केट इनको देखा जाता है। तो आयरन एंड स्टील अगर देख लें बेसिकली तो फेरो अलॉय आपको स्टील पे काफी लगता है जो कि उसके सरफेस को चमकदार और हार्ड बनाता है, तो उसमें इसका यूज होता है। उस तरह से काफी करेक्शन हुआ है सारे स्टॉक्स में, अगर आप देखेंगे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिंजर स्टील पावर, सारे स्टॉक्स में करेक्शन आया है क्योंकि प्राइस रिलेशन धीरे धीरे कम होने लगे हैं मार्केट में। काफी इम्पोर्टेंट जो लेवल है 950-960 के आसपास है, और उसी के आसपास जो है 4-5% से ऊपर है अभी स्टॉक। मैं कहूँगा अभी थोड़ा वेट कर लें, और अगर प्राइसेस में ऑलरेडी रियलाइजेशन फिर से बढ़ता है इन कंपनियों का तभी इस स्टॉक को लें। ये राय है मैथन अलॉयज पे और ओवरऑल मेटल सेक्टर पे भी संतोष सर अपनी राय दे चुके हैं।